ज्ञानी ताप सूर कवि को विद गुण आगार के कह लोभ विडंबना कीन न ये संसार। श्रीमद वक्रन कीन के ही प्रभुता बधिरन कही आदि आदि। लेकिन जो भगवत शरणागत है, जो भगवान की शरण में है, उसे ये इंद्रिय समूह व्याप्त नहीं होता, व्याकुल नहीं करता। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि समीप तम कब हू न जा। तो महाराज कहते हैं योगेश्वर देखिए संसार जंगल है, इस जंगल में चलते हुए यात्रा में कहीं गंधर्वपुरम प्रपश्यति, गंधर्वपुर का दर्शन होता, कहीं उपवन, कभी मरुस्थल रेगिस्तान। जीवन में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय प्राप्त होते हैं, जीवन चक्र घूमता रहता है, एक जैसा किसी का जीवन नहीं रहता। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ऊंच नीच सज्जन दुर्जन ये जीवन में मिलते ही बिछुड़ते रहते हैं। ये जीवन परिवर्तनशील है, एक जैसा किसी का जीवन नहीं रहा। बाजी दिन बाजत नगारे हजारन भांति, और बाजी दिन कर कुदार खेत गोड़ी रही। बाजी दिन साल अर दुशालन के ढेर लागे, और बाजी दिन टका टूके एक कामरी ओढ़ी रही। बाजी दिन हाजिर हजारन पर हुक्म हो, बाजी दिन एक पाजी की हजार बात सही है। नहीं मत विसारिये न सीताराम, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो इस प्रकार से महाराज योगेश्वर जड़भरत कहते हैं ये संसार रूपी वन है, इस संसार रूपी वन में कैसे पार पाया जाए। बोले वही पार पा सकते हैं जिन्हें मार्गदर्शक मिल जाए। मार्गदर्शक के बिना ये जंगल पार नहीं किया जा सकता। तस्मात गुरुम प्रपद्येत, इसलिए गुरु की शरण में जाना है। परमात्मा की प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं होगी, केवल यज्ञ करने से नहीं होगी, वेद पढ़ने से नहीं होगी। कैसे होगी ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। रहु गणैर तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणा ग्रहाद्वा, न छन्दसां नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पादरदोभिषेकम्। परमात्मा की प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं, रहु गणैर तत्तपसा न याति, केवल तपस्या से नहीं, न चेज्जया केवल यज्ञ करने से नहीं, निर्वपणा ग्रहाद्वा केवल घर छोड़ देने से नहीं, न छंदसाम वेद पढ़ने से नहीं, नहीं वो जल अग्नि सूर्य ही जलाग्नि सूर्य की उपासना से भी नहीं। महत्पादर जो अभिषेकम, महापुरुषों के गुरुदेव के चरणों की रज का चंदन भाल पर लगाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जीवात्मा परमात्मा और मध्यस्थ है महात्मा। महापुरुष गुरुदेव संत जब आपको परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताएंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा सुंदर उपदेश किया और दीक्षा प्रदान की और मंत्र जाप करते हुए राजा भगवत सानिध्य को प्राप्त हुआ और योगी जड़भरत ब्रह्मलीन हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी भूगोल खगोल का वर्णन करते हैं और तदुपरांत नरकों की स्थिति का वर्णन करते हैं। 28 नरक हैं, दक्षिण में भूगर्भ जल के नीचे 28 नरक हैं। रौरव महारौरव तामिश्र अंध तामिश्र, रौरव महारौरव अशपत्रबन संदंश तत् सूर्य बज कंटक शालमली बैतरणी पुयोध प्राण रोध विश्रण लाला भक्त शार्मयादन अभीच रक्षोगण भोजन दत्त निरोधन पर्यावर्तन बैतरणी आदि 28 नरक हैं। तो जो पापी लोग हैं वो नरकों में डाले जाते हैं, जो पुण्यात्मा है वो स्वर्ग पहुंचाए जाते हैं, जो भक्त हैं वो वैकुंठ जाते हैं। तो जो पाप करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, मांस मजरा का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरकों में डाला जाता है। गुरु और माता पिता का अपमान करते हैं, जो बहुएं सास ससुर का अनादर करती हैं, और जो ठगी करते हैं, छल करते हैं, न्यायालय में झूठी गवाही देते हैं, नाना प्रकार के प्रबंध करते हैं, ऐसे लोग वो नरकों में डाले जाते हैं। जो मदिरा पीता है उसे गर्म लोहा पिलाया जाता है, जो मांस खाता है उसे वहाँ तेल की कढ़ाइयों में खवलाया जाता है, उठा जाता है। माता पिता गुरुजनों का अनादर करने वाले तांबे के तवा पर लिटाकर के नीचे से आग जलाकर गर्म किया जाता है। और जो अगम्या
नारी से रमण करते हैं, अगम्य पुरुष से रमण करती हैं, उन्हें लोहे के स्त्री पुरुष में बांध करके आग से जला करके उनकी पिटाई होती है और उनकी खाल खींच दी जाती है। वहाँ यमलोक में उनकी खालें निकाल दी जाती है शरीर से, इतनी उन्हें यातनाएं वहां पर दी जाती हैं। घोर कठोर बैतरणी नरकों में पीप की रक्त की नदियों में जहां मगरमच्छ उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं, ऐसे पापी लोगों को वहां डाला जाता है। अनेक प्रकार के जो पाप संसार में हैं वो करते हैं, उन्हें नरकों की प्राप्ति होती है। और देखिए कुछ ऐसे भी जीव हैं जो रक्त जीवों रक्तोपजीवी हैं, जिन्हें भगवान ने कहा तुम जीव का रक्त खाओ, रक्त पियो। उनमें जैसे खटमल हैं, मच्छर हैं, कुणक हैं, तो कहा इन खटमल मच्छर कुणकों को जो मारते हैं, जैसे ऐसे नाखून पर धरा और चट्ट से मार दिया, तो बोले उन्हें भी नरकों की प्राप्ति होती है। ये भी लिखा भागवत के पंचम स्कंद में, और न मानो तो लिखा दिखा दिया। तो बोले ऐसा जुआ भी जो मारते हैं उन्हें भी नरकों की प्राप्ति होती है। अब तो माताओं बड़ी कानाफूसी शुरू, बोले हमने तो बहुत निकाल निकाल के, तो बोले अब बड़ी कठिन समस्या है महाराज, अब नरकों अभी इस मिट्टी के संसार में आकर के पाप तो संभव है, अब कौन बचेगा, कौन स्वर्ग जा सकता है देवलोक। बोले पुण्यात्मा है जो दानी है, धार्मिक है, सदाचारी है, उसे देवलोक मिलता है, देवता बनाया जाता है। और जो भक्त है निष्काम भाव से भगवान की पूजा अर्चना भक्ति हरि कथा श्रवण और नाम जप करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो महाराज बोले अब देवलोक वैकुंठ कौन जाएगा, इतने पाप ही संसार में फैले हैं, कोई न कोई पाप हो ही गया होगा। तो महाराज अब एक बात सुखदेव जी से बोले, परीक्षित जी महाराज एक बात बताओ, इन पापियों का भी उद्धार क्या हो सकता है, कोई ऐसा मार्ग आपके भागवत में है जो पापियों का भी उद्धार हो जाए। तो महाराज सुखदेव परमहंस हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, बोले राजन घबराओ नहीं, सकृन मनः कृष्ण पदार बिंद जो निवेश तम तद गुण राग न ते यमं पास व्रतस्य तद भटान स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। सकृन मना, एक बार भी जिसने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दिया, एक बार भी जो कृष्ण के चरणों में रम गया है, उसकी वाणी से कृष्ण निकला है और कृष्ण में समर्पित हो गया है, उनके राग में रंग गया है, अपने मन को कृष्ण में अर्पित कर दिया, न ते यमम पाशव्रतश्च तद्भटानो, उसे जमलोक नहीं जाना पड़ेगा, उसे जमदूत कभी लेने नहीं आएंगे, स्वप्न में भी वो नरकों का दर्शन नहीं करेगा। जो कृष्ण नाम कहता है, जो हरि कथा सुनता है, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भ्रों से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भ्रों से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भ्रों से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भ्रों से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, उतर जाएगा।
होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, प्रश्न कहने से तर जाएगा, पार्वों से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार्वों से उतर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, झोली तेरी वो भर जाएगा, झोली तेरी वो भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, पार्थव से उतर जाएगा। भगवत नाम संकीर्तन से पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, प्रभु का नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट करने वाला है। और परीक्षित जी इस विषय में महाराज श्री सुखदेव जी ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। कान्य कुबजे द्विजः कश्चिद् दासी पति अजानिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजानिल। दास्या संसर्ग दूषितः, ये वेश्यागामी हो गए। पहले बड़े सदाचारी थे, लेकिन बाद में वेश्यागामी हो गए। एक बार पिता के आदेश से वन में कंदमूल फल समिधा तोड़ने गए तो इन्होंने वृक्ष के नीचे एक वेश्या को देखा। ददर्श कामिनम कश्चिद् शूद्रम सा भुजिष्यया पीत्वा मधुमैरेयम मदा घूर्णित लोचनाः। इन्होंने देखा एक वेश्या और एक शूद्र एक वन में वृक्ष के नीचे बैठे मदिरा पी रहे हैं और काम चर्चा में मग्न हैं दोनों। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वेश्या का चिंतन होने लगा जैसा चिंतन वैसा जीवन, और अंत तो गत्वा वेश्या का चिंतन करते करते वेश्या से आसक्त हुए और वेश्यागामी हो गए, उसी घर में रहने लगे। भागवत में लिखा है वेश्या के घर में रहते हुए आचरण से भ्रष्ट जामिल दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग से दूषित हो गए और वहां रहते हुए इनके 10 पुत्र हुए। भागवत में जैसा वर्णन है 10 पुत्र हुए इनके, और सबसे छोटे पुत्र का नाम इन्होंने संत के कहने पर नारायण रखा। अब सबसे छोटे पुत्र नारायण के प्रेम में बंधे हुए ये दिन रात नारायण नारायण पुकारते अपने पुत्र को। एवं निवसस्तस्य लालयायान तत्सुतान कालोक्तगान महान राजन अष्टाशी क्या समायुधा। इनके जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हो गए। अब शरीर वृद्ध हो गया और अपने पुत्र नारायण को ही ये दिन रात दिन में 1000 बार पुकारते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु का नाम निकल जाता है, पुत्र के नाते प्रभु का नाम निकल रहा है। स एवं वर्तमान अज्ञो मृत्यु कालम उपस्थितः मतिम चकार तनये नारायणम अभयम। जब इनका मृत्यु काल आ गया तो 3 जमदूत आए काले काले पर्वत के समान, और वो तीनों जमदूत जिनके हाथों लंबे रोया थे और बड़े बड़े विशाल दांत थे और बड़े कज्जल गिरी के समान थे, उन्होंने आकर अजामिल के शरीर में जाल डालकर प्राणों को खींचने लगे। जब प्राणों को खींचने लगे तो अजामिल घबराया। मरते समय बहुत दुख होता है जीव को, जन्म के समय और मरते समय। जन्मत मरत दुसह दुख होए। व्यास जी लिखते हैं 1000 बिच्छू 1000 सर्प के काटने जैसा दर्द होता है जन्म और मृत्यु के समय। बड़ा पीड़ित होता है वो, आतुर उसका कंठ, सांस नहीं आती, घर घर कंठ करता है। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई
कपवात एकत्र हो जाते हैं कंठ में, गुरु गुरु का शब्द करता शब्द नहीं निकलता, बहुत पीड़ा होती है। तो अजामिल को भी बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। तो दूर इनका बालक खेल रहा था नारायण, नारायण में बड़ा इनका मोह था, तो नारायण को ही पुकारा। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणम आभयम, दूर खेलते अपने बालक को बुलाया, नारायण नारायण नारायण। निशप्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भरतु नाम महाराज पार्षद सहसा पततो। जब नारायण के मुख से निकला, अरे इस मरने वाले के मुख से मेरे गोविंद का नाम निकल रहा है, तो भगवान के गण अजामिल के यहाँ उतर आए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशे वाससाह, सभी पीताम्बरधारी गदा पद्मधारी आए और जमदूतों पर अपनी गदाएं तान दी। छोड़ दो इसे, कहां लिए जा रहे हो इस भक्त को? विष्णु दूतों ने गर्जना की। जमदूत बोले, महाराज ये पापी है, विष्यागामी है, हम इसे नरकों में ले जाएंगे। विष्णु दूत बोले, ये पापी था लेकिन अब नहीं, इसके मुख से मरते समय नारायण का नाम निकला। बोले, नारायण का नाम इसने नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, इसके पुत्र का नाम नारायण है। बोले, नारायण तो कहा है, नारायण तो बोला है, ये पापी था लेकिन प्रणाम लेते ही पवित्र हो गया है। देखिए, भगवान ने बाली से कहा, बाली तुम बड़े पापी हो, तुमने अनुज बधु को पत्नी बनाया इसलिए तुम बहुत बड़े पापी हो। तो बाली बोला, महाराज मैं पापी था लेकिन अब नहीं रहा। बोले, अब क्या हो गया? कहा, बाली स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पात की अंतकाल गति तोर। जब अंत समय में आप हैं सामने, अब मैं पापी कहां रहा। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम। आज वो नारायण नाम इसने लिया है। भगवान का नाम किसी रीति से कोई ले, गच्छन तिष्ठन स्वपन खादन भुंजाना पर्यटन मही, राम रामेति उच्चेत मुच्यते सर्व पाप कात। आते जाते खाते पीते उठते बैठते किसी प्रकार से प्रभु का नाम लेने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतां व्यामिति तन्मयतां हिते। काम से क्रोध भय स्नेह ऐक्य सौहृद, किसी रीति से प्रभु का नाम लेने वाला भगवान को प्राप्त होता है। भाव विभाव अनख आलस हूं, भाव विभाव अनख आलस नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ, दिवसहु जासु नाम नर कहही, दिवसहु जासु नाम नर कहही, मोह जनित दारुण अघ दहही, मोह जनित दारुण पूर्वक भेद। भगवान का नाम ले तो सब अज्ञान नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। तुलसी अपने राम को रीज भजे चहे खीज, खेत परे पे जाम है उल्टो सीधो बीज। तुलसी अपने राम को हरदम भजो निशंक, अखीजे दीनों परम पद रीजे दीनी लंक।
खींच गए रावण पर तो परम पद दे दिया, खींच गए विभीषण पर तो लंका का राजा बना दिया। दोनों स्तुतियों में लाभ ही लाभ है। खींचे दीनों परम पद, रीझे दीनी लंक। अजामिल को परमायु दे दी। अजामिल ने अर्ध चेतनावस्था में यमदूत और विष्णु दूतों का संवाद सुना था। अभी हरिद्वार गए, हर की पैड़ी जहाँ गंगा मैया की आरती होती है शाइन बेला में हरिद्वार में, हर की पैड़ी की सीढ़ियों पर बैठकर भगवत नामों का स्मरण किया अजामिल ने। और जब इनका समय आया तो भगवान के गण दूत सुंदर विमान लेकर आए, अजामिल को विमान पर बैठाला और वैकुंठ ले गए। प्रेमी भक्तों, जब अजामिल जैसा विश्वागामी पापी भगवान के धाम को प्राप्त हुआ, आप तो बड़े ही भाव से भगवान का भजन करते हुए कथा सुन रहे हो, अवश्य भगवत धाम प्राप्त होगा। लेकिन बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति के साथ में जो कथा सुनते हैं उन्हें भगवत धाम अवश्य प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानव की छोड़ो, दैत्यों में भी बड़े बड़े भक्त हुए। तुष्टा ऋषि की यज्ञ कुंड से उत्पन्न इंद्र शत्रु विवर्धस्व मा चिरंजयी विद्वसी, वो वृत्तासुर युद्ध स्थल में वंदना करता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविताश्मि भूया। मैं देवलोक का स्वर्गलोक का राज्य नहीं चाहता, मैं तो आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, दासों का भी दास दासानुदास बनना चाहता हूँ। मेरा मन आपका सदैव स्मरण करे, उसने वंदना की। दैत्य वंश में एक से एक बड़े भक्त हुए। देखिए भगवान अगर वो किसी भी वर्ण का किसी संप्रदाय का भक्त है तो भगवान ने भक्ति को कह दिया है त्वयाहूतस्तु आगच्छत गोविंदा नीच गृहेष्वपि। भगवान के द्वारा भक्ति के द्वारा बुलाने पर भगवान नीच गृहों में भी जाते हैं। दैत्य वंश के भक्तों को भी भगवान ने कृतार्थ किया। तो अभी तक आपने भक्तों की कथा सुनी, अब भक्त शिरोमणि की कथा सुनी। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि हे प्रहलाद, भगत शिरोमणि हे प्रहलाद, भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। प्रहलाद जी की कथा सातवें स्कंद में देखिए। भागवत में बहुत चरित्र हैं। महाराज श्री शेषनाग जी ने 1000 वर्ष तक निरंतर भागवत के ही 1000 मुखों से भागवत को समाप्त नहीं कर पाए। निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना प्रेम प्रकाश करते स्वर्ण गतोस्मी। इसलिए कहीं संक्षेप कहीं विस्तार करते हुए सप्ताह में भागवत कहने का प्राविधान है। तो प्रियजनों, अब महाराज प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन करते हैं। बड़ी सुंदर कथा। एकदा ब्रह्मणा पुत्र विष्णु लोकंगे द्रक्षया शरंगादयो जगमो शरंतो भुवनत्रयम्। महाराज भगवान के जो अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये देखने में 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते हैं। इनकी आयु बड़ी प्राचीन है, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ब्रह्मानंद सदा लये लीना, ब्रह्मानंद सदा लये लीना, देखत बालक बसन विषन आगति नहीं, आशा बसन विषन आगति नहीं, रघुपति चरित होई तहां सुनहिं, रघुपति चरित होई तहां सुनहिं, रघुपति चरित होई तहां सुनहिं, रघुपति चरित होहिं तहां
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म विद्या विशारद है, अनुक्ष की अमल ब्रह्म विद्या के ज्ञाता है। ऐसे सनत कुमार जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है नारद भक्त ज्ञान वैराग्य को, ये भगवान की कथा सुनने जाते हैं। जहां कथा होती है रघुपति चरित हो तहां सुनहीं, तो अब ये जा जा करके सुनते हैं। तो सनत कुमारों से प्रेरणा लेनी है कि जब इतने बड़े ज्ञानी स्वयं भागवत के आचार्य और कथा सुनने जाते हैं तो सभी लोगों को कथा भाव से सुनना है। कोई ये अनुभव न करे हम तो कई बार सुन चुके, 11वां आयोजन ये भी है, अब तो बहुत सुन चुके। एक बोले हमने जाने कथा कितनी सुन डाली, सुन के डाल दी तो फल क्या प्राप्त किया। तो महाराज कथा से कभी कोई अघाता नहीं, जो अघा जाए समझ लो उसने विशेष रस की अनुभूति नहीं की। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नहीं। तो सनत कुमार कथा सुनते हैं भगवान की, जहां जहां कथा होती वहां जाते हैं। एक बार स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए बैकुंठ गए, तो बैकुंठ में भगवान के द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। जय विजय को बड़ा अभिमान हो गया, ये पैरे पर खड़े थे भगवान के। इन महान भक्तों को इन्होंने बैकुंठ में नहीं जाने दिया, इन्हें 5 वर्ष का बालक ही माना और बलपूर्वक ने रोक दिया। सनत कुमारों ने देखा इनके मन में अभिमान है, ये बैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो सकते। तब तो महाराज सनत कुमारों को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया। अशपन कुपिता एवं इवाम बासम चाधथ पापिष्ठाम आसुरी मेउनिम बालिशौयातम अश्वतः का। देखिए ये शाप दे दिया, तुम दोनों पापिष्ठ असुरी योनि को प्राप्त हो जाओ। भगवान ने भी अनुमोदन किया कि इन्हें असुरी योनि में जाना पड़ेगा, ब्राह्मण में बहुत प्रिय है, उनका चरण हृदय में धारण करते हैं। तब तो सनत कुमारों ने वरदान भी दे दिया, इनका उद्धार भगवान के द्वारा ही होगा, प्रभु आपको उतार लेकर इनका उद्धार करना होगा। तब विप्रशाप दे दूनहु भाई, विप्रशाप दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाही, तामस असुर देह तिन कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, विश्वविदित सुरपति मद मोचन, विश्वविदित सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्या, विजयी समर वीर विख्या, धरि वराह बपु एक निपाता, धरि वराह बपु एक निपाता। कश्यप और दिति से दोनों उत्पन्न हुए और इनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष बड़ा बलवान था, उसने दिग्विजय की धरती को लेकर शुतल लोक में सिरहाने तकिया बनाकर धरती की लेट गया। तब महाराज ब्रह्मा के दाहिनी नासिका से वाराह भगवान प्रकट हुए और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर धरती की रक्षा की। बोलिए वाराह भगवान की जय। तो जब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और ये बात हिरण्यकश्यप ने जानी, भ्रातर एवं विनिहते
हरिणा क्रूढ़ मूर्ति ना हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्य तुरुषा सुचाह। हिरण्यकशिप को बड़ा क्रोध आया, उसने सभा जोड़ी, बोले हे दैत्यो, हे दानव दैत्य द्रुमूर्ध त्रक्ष शंबर नमुत पाक पुलोमा इलवल शकुन आदि सब लोग सुनो, मैंने प्रतिज्ञा की है, मत शूलम भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथा। मैं अपने त्रिशूल से विष्णु की ग्रीवा का छेदन करूंगा और विष्णु के रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा। रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये मे भ्राता हिरण्याक्षा रुधिर प्रियमाशीत न अन्न प्रियम न फल प्रियम न जल प्रियम अपितु रुधिर प्रियमाशीत मे भ्राता हिरण्याक्षा तस्य तर्पणम विष्णुना रुधिरेण अहं करिष्ये। विष्णु के रुधिर से मैं तर्पण करूंगा अपने भाई का। ऐसा अर्पण करके अम्बाम्बे वधु वीरम मां सोच तुम ये उपदेश किया, अपनी माता को समझाया, अनुज वधु को समझाया और फिर महेंद्राचल पर्वत गया और महेंद्राचल पर्वत के शिखर पर दाहिने चरण के अंगुष्ठ पर खड़े होकर दोनों भुजाएं ऊपर को उठाकर आकाश को देखते हुए ब्रह्मा जी की तपस्या की। सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुन भो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावलिः। दाहिने चरण के अंगुष्ठ पर दोनों भुजाएं उठाकर ओम ब्रह्मणे नमः का मंत्र जाप करके बहुत कठिन तपस्या की और इतनी साधना की कि इसके मस्तक से धुआं निकलने लगा और वो धुआं देवलोक में छा गया। अग्नि की लपटें देवलोक में छा गईं, देवता जलने लगे और भयभीत देवता ब्रह्मा की शरण में गए। अरे दैतेंद्र तपसा तप्तम दिवस खातुम न शक्नुमः। हे पितामह, दैतेंद्र हिरण्यकश्यप की तपस्या के तेज से अग्नि ज्वालाओं से हम देवलोक में नहीं रह पा रहे। ब्रह्मा जी बोले, अभी उसे वरदान देकर मैं विरत करता हूँ। बारात ब्रह्मा हंस वाहन चले और महेंद्रचल पर्वत पहुंचे तो महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के देखा वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। न ददर्श प्रतिच्छन्नम बालबी की तृण कीच कई पिपीलिका विराचीर्णैर मेदध्वांश श्रोणितम। वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके शरीर पर कुछ कांस घास बांस खड़े हो गए हैं, चीटियों ने उसका रक्त पी लिया है, केवल मिट्टी का ढेर है। विलक्ष विस्मितो प्राह प्रासन हंस वाहन। ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दैत्येन्द्र उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दैत्येन्द्र तपः सिद्धो काश्यपो वरदोहम अनुप्राप्तो व्रियताम ईप्सितो वरः। हे दैतेन्द्र उठो उठो, हे कश्यप नंदन उठो, हम तुम्हें वरदान देने आए, तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है। लेकिन उठे कैसे, शरीर में न मांस है न रक्त है, अस्थिमान मात्र शरीर है। तो कमंडल जले न उक्षद्यामोहराधसा, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल को छिड़क दिया और उस समय हिरण्यकश्यप पूर्णवत स्वस्थ हो गया, हृष्ट पुष्ट तन भयो सुहायो। ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। तो त्रिभाचा उसने कराई और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। यदि दास्यस्य अभिमतान वरान मे वरदोत्तम भूतेभ्यः तद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्भूनमा कदाचन। यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचे गए किसी भी जीवधारी से हमारी मृत्यु न हो। भूतेभ्यः तद्विशिष्टेभ्यो, आपके द्वारा रचे किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा चौंके, बोले चौंकिए नहीं चतुरानंद, अभी तो हमने शुरुआत की है, जब और मांगे तब देखना। आगे इसने मांगना शुरू किया, नाम तरबही दिवानक्तम नन्यस्माद पिचायुधै न भूमं न अम्बरे मृत्यु न नरै न मृगैरपि। न अपने घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं,
न धरती में मरूं न मैं आकाश में। ब्रह्मा बोले तो मरेगा कहां, बड़ी समस्या है महाराज। तीनों लोकों में आपके द्वारा रचे किसी जीवधारी से नहीं मरूं, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, तीनों लोकों का मैं सम्राट बन जाऊं, राजा बन जाऊं। अब तो ब्रह्मा जी बहुत स्तब्ध रह गए और बोले ताते में दुर्लभा पुंसाम ज्ञान वृणीशे वरान मम। पुत्र ये वरदान बड़े दुर्लभ है। तो कहा बाबा हमने तपस्या भी बहुत दुर्लभ की है। ब्रह्मा बोले फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूं, एव मस्तु तथास्तु। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए, दैत्य का शरीर बढ़कर पर्वताकार हो गया। एवं लब्ध वरो दैत्या विभ्रत हेममयम वपु, हेममयम वपु स्वर्ण शैल संकाश विशाल शरीर हो गया। गदा लेकर धरती को कपाता हुआ दैत्यों को एकत्र करके तीनों लोक जीत लिए, त्रिलोकी को जीत लिया, देवलोक भी जीत लिया, इंद्रासन पर बैठ गया। तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट, एकराट सम्राट विभ्रात सम्राट हो गया, सार्वभौम सम्राट हो गया, तीनों लोकों का राजा हो गया, देवताओं को बंदी बना लिया। सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं उसके भवन में, विशेष प्रकाश। पवन झाड़ू लगाते हैं, वरुण जल भरते हैं, पवन देव झाड़ू लगाते हैं, रत्नाकर रत्न दे जाता है, गंधर्व विद्याधर गीत गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं। का सभी देवता हमने बंदी बना लिए, लेकिन वो नारायण नहीं मिला जो उसको मार करके भाई का बदला लेने। दुष्ट मंत्री बोले वो नारायण ऐसे नहीं मिला, वो छिपा है कहीं। जब उसके भक्तों को मारना शुरू करोगे तो एक न एक दिन वो आ जाएगा किसी भक्त को बचाने के लिए। इसलिए जहां जितने भक्त हमने मारो, हिरण्यकश्यप ने बुलाए अपने दैत्य सेनापति और कहा यत्र यत्र द्विजागावः वेदावर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम व्यात संदीपयत वृषत। कहा जिन जिन नगरों में अधिक ब्राह्मण हो उन नगरों को एक एक करके कहां तक मारोगे, आग लगा दो। जहां तक जहां गांव में अधिक हो उनमें जाकर के आग लगाओ। जेहि जेहि देश धेनु दुज पाव नगर गांव पुर आग लगाव। जहां वेदाध्यन हो रहे हो यत्र दुजा वेदा गावा वर्णाश्रम क्रिया भागवत कथाएं हरि कथा वेदाध्यन हो रहा हो, वेद पाठ हो रहा हो, यज्ञ हो रहे हो, भजन हो रहे हो, जाओ उनको नष्ट करो। अब तो ब्राह्मण संत राम हरि कृष्ण नारायण कहने वालों के शिरोच्छेद कर दिए जाते। गौओं का करोड़ों गौओं का वध, करोड़ों ब्राह्मणों का वध, करोड़ों संतों का वध होने लगा। सतयुग में ऐसा हुआ एक कालखंड। हर युग में धर्म अधर्म दोनों रहते, सतयुग में ऐसा कालखंड हिरण्यकश्यप का राज्य आया जिस समय पर संत ब्राह्मण और गौओं को मारा गया और सनातन धर्म को नष्ट करने का अभियान चलाया गया। ये सनातन धर्म हमारा जो हिंदू धर्म है, ये अरबों वर्ष प्राचीन है, जब सृष्टि हुई तब ये धर्म था। ये धर्म भगवान के मुख से प्रकट हुआ है वेद के रूप में। तो सतयुग में भी इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया, त्रेता में भी अस्भ्रष्टचारा भाषण सारा धर्म सुनी नहीं काना तेई बहुविध तरह सही देश निकासही जो कह वेद पुराना। द्वापर में भी हुआ, कलयुग में तो अति हो गई, इतने म्लेच्छ आए, इतने विदेशी पश्चिम से म्लेच्छ आए, उन्होंने हजारों मंदिर तोड़े, वेद ग्रंथों की होली जलाई, हजारों संतों का विनाश किया, बलिदान हो गए सनातन धर्म की रक्षा में। लेकिन ये सनातन धर्म आप सब लोगों की भक्ति के कारण अब भी सुरक्षित है। ये सनातन धर्मियों की भक्ति के कारण अपना धर्म सुरक्षित है, अन्यथा धर्म को नष्ट करने का विश्व के विधर्मियों ने बहुत प्रयास किया।
वेद पुराणों को नष्ट करने का प्रयास, मंदिरों को देवालयों को नष्ट करने का प्रयास, और आज भी प्रयास जारी है। साम दाम दंड भेद से अन्य धर्मावलंबी अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आज सनातन धर्म को कुछ खतरा लग रहा है। क्यों? सनातन धर्मावलंबी अपने धर्म के प्रति उदासीन है। उन्होंने संसार के भौतिकवाद को सत्य माना, अपने रोटी रोजी के चक्कर में अपने धर्म के अनुष्ठानों को भूल गए। जो ऋषियों ने अत्रि वशिष्ठ चमन शरद अरिष्टजेम भृगुअंगिरा ने सुरक्षित करके दिया है, उपमन्यु कश्यप भरद्वाज सांकृत सांडिल्य आदि ऋषियों ने जो हमें कश्यप आदि ऋषियों ने जो सुरक्षित करके दिया है, आज सनातन धर्मावलंबी हिंदू ही उदासीन हो रहा है। जब भागवत कथा होती है तो बहुत से लोग घर से नहीं निकलते। तो आज आवश्यकता है बहुत बड़े अभियान की, बहुत बड़ी क्रांति की। जब भागवत हो, यज्ञ हो, धार्मिक कोई सनातन धर्म का अनुष्ठान हो, तो इसे अपना अनुष्ठान मान करके सपरिवार सदल बल से इसमें आकर सम्मिलित हो और सनातन धर्म के झंडे को धारण करते हुए सनातन धर्म की जय जयकार करें। और ये तभी संभव है जब भागवत आदि कार्यों में आप बढ़कर भाग लें। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। आपके धमनियों में रस रक्त जो है सनातन धर्म के लिए उबल पड़े। सनातन धर्म की हिंदुत्व की रक्षा करोगे तब आपके धर्म की रक्षा होगी और तब आपका मानव जीवन सफल होगा। प्यारे, घर घर में भगवान की जय जयकार हो, शंख ध्वनि हो, आरती हो, पूजन हो, और जब भागवत कथा हो तो उस कथा में जाकर के सपरिवार सदल बल इष्ट मित्रों समेत परिकर के समेत उसमें सम्मिलित हो। आज हिरण्यकश्यप सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है। चारों त्राहिमाम मच गई, धरती कांप उठी, संत त्राहिमाम कर उठे। उस समय तस्य दैत्यपति पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता प्रहलादो भू महान्तेषां गुणैर्महदुपासकः। उस दैत्यराज के चार पुत्र हुए, आह्लाद अनुह्लाद शाह्लाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलादो भू महान्तेषां गुणैर्महदुपासकः। प्रहलाद उसमें हुआ सबसे छोटा। तो ये प्रहलाद जो है जब गर्भ में था तब देवर्षि नारद इसे अपने आश्रम में ले गए और धर्म का भक्ति का उपदेश किया, तो गर्भ में प्रहलाद ने भक्ति सीख ली, गर्भ में ही भक्ति सीख ली। तो एक जन्म लेते ही भक्त हुए। ब्रह्मण्या सत्य संकल्प शील सिंधु जितेन्द्रिया। जन्म से ही ब्राह्मणों के भक्त हुए, क्योंकि ब्राह्मणों की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर भक्ति देते हैं। और सदाचारी हुए, सत्यवादी हुए और जितेंद्रिय हुए। प्रहलाद जी महाराज जितेंद्रिय, जितेंद्रिय इंद्रिय जीत हो गए, ऐसे प्रहलाद पाठशाला में भेजे गए। उस समय अध्यापक इन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन एक ही नाम पढ़े जो देवर्षि नारद ने गुरुमंत्र दिया है। आप भी बोलो श्रीमन नारायण 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 गाइए श्रीमन नारायण। आप लोगों को 112 देश देखेंगे, इसलिए हमने कहा सबको कैमरा में कैद करो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 सत्य नारायण सत्य नारायण नारायण भजबन नारायण 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 भजबन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और अपनी गोद में बैठाकर कहा, पुत्र तुमने अपने गुरुजनों से कौन कौन सी विद्याएं प्राप्त की हैं? तो प्रहलाद बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।